कृष्ण, आम की विविध सामग्री जो अपन देख रहे हैं, तो आज अपन वहां में पपची बनावे को देखेंगे। पपची रीत की सामग्री है जो कई उत्सवों में आवे है। तो आज अपन आम वहां में वापर के कैसे बनाई जाए पपची, वो अपन देखेंगे। तो देखिए अपन याकी बनावे की विधि। पपची के लिए यहाँ मैंने 3 कप मैदा लियो है, 1 कप चावल को आटा लियो है, याकू मैंने छान लियो है, 1 कप दही लियो है, आम को पल्प लियो है, और घी लियो है, गरम करके रखियो है मैंने मोन के लिए। तो अपन यहाँ को आटा लगा रहे। तो पहले अपन घी करेंगे, मठड़ी में जितना अपन मोन करे हैं घी को उतनो या में करवे को, घी अच्छो गरम होना चाहिए। या में घी को नाप नहीं हो है, अपन कोई मिक्स करके देखे कोई ये मुट्ठी पर तो या में लग गयो कि नहीं, तो अपन यहाँ को मिक्स करें। ऐसो अपन ने मौन कर दियो है या में। अब या में अपन दही पदरा लेंगे। चावल को आटा और मैदा को माप याद रखवे को, 3 कप मैदा और 1 कप चावल को आटा। अब या में अपन दही पदरा लेंगे, दही को भी अच्छे से मिला लेंगे, दही मिला लियो है। अब यहाँ में अपन आम रस पदरा के आटा मान लेंगे, अब हो सके तो यहाँ में अपन जल नहीं ले लेंगे, अपन आम के पल्प सुई या को आटा गूंथेंगे। अपन ने या को पराठा जैसा सख्त आटा लगा लियो है, और अभी यहाँ गैस पर घी गरम करवे रख दे लेंगे, और दूसरी ओर अपन यहाँ की पूरी बेल लेवेंगे, मठड़ी जैसी मोटी बेलवे की, फिर यहाँ अपन छेद कर लेवेंगे। यहाँ पर घी गरम हो गया है और यहाँ मैंने ये बेल कर रख दी है, अपन एक एक करके बदरा लेंगे। शुरुआत के 2 मिनट अपन को हाई फ्लेम रखना है, फिर एकदम स्लो आंच पे अंदाज से 20 से 25 मिनट तलवे देवे को है। याकू थोड़ी डार्क तल रही थी और याकू रंग थोड़ा ऑटोमेटिकली डार्क भी होवेगा क्योंकि यहाँ में आम को पल्प है, तो या को शेड थोड़ा मथड़ी से डार्क हो गए वो, एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। अपन ने सब पपची तल लिए, यहाँ मैंने शक्कर ली है, 3 कप शक्कर ली है, वहां मैं जल बदरा के अपन चाशनी बनावे के लिए रखेंगे। या कि अपन को 1.5 तार की चाशनी करनी है। अपनी चाशनी उबल रही है, मैंने यहाँ में थोड़ा सा केसर भी पधराया हो तो, और अब यहाँ में मैं लगभग आधा कप जितना आम को पल्प पधराऊंगा। और अब ये पक्की 1.5 तार की चाशनी हो गए तब तक अब या को उबलवे देवे को। अपनी चाशनी हो गई है 1.5 तार की, अपने गैस बंद कर दियो है। अब यहाँ में अपन बरास पधरावेंगे, लगभग 1 चने के दाने जितना मैंने बरास लिया है, या को हाथ से पाउडर करके हमें पधरा देने को। मिक्स करके अभी आपको अपन नीचे ले लेना, लगभग 5-7 मिनट तक चाशनी को चमचा से फेटवे को, तो या कि बाफ निकल जावे। मैंने चाशनी को अंदाज से 5 मिनट तक फेंट लिया है। कोई भी पावे की सामग्री हो, हमें चाशनी को गैस बंद करवे पीछे फेंटना आवश्यक है। अब यहाँ में अपन पपची पधरावेंगे।
अभी आपको चाशनी पावे पीवे के लिए 5-6 घंटा के लिए यो ही रख देवे की। मठड़ी की तरह या की कड़क चाशनी नहीं होवे, ये रसदार सामग्री है। अंदर सो चाशनी रहेगी और ऊपर सो अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन जैसे हो जाएगा। तो अपन को याकू 5-6 घंटा के लिए चाशनी में भीगवे देवे की। अपन यहाँ प्रकार सो आम की पपची बनावे को देखियो। पपची सादी पपची जब अपन बनावे तो यही प्रोसेस अपन को करवे की सिर्फ वामे आम को जो पल्प अपन ने अंदर पधराए हुए वो नहीं पधरावे को और दही सुई आटा गूंथवे को। और चाशनी में भी अपन को आम को पल्प नहीं पधरावे को, तो सादी पपची जो रूटीन में रीत में लिखी हो या फिर कोई उत्सव में लिखी हो तभी या प्रकार से अपन सिद्ध कर सके हैं। ऊपर सु कई जगह मिश्री के अखे दाने भी पधराए जावे हैं तो वो भी आप पधरा सको हो। तो या प्रकार से आज अपन ने पपची बनावे को देखियो। तो आप जरूर से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे जो भी सामग्री आवेगी तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। जय श्री कृष्ण।